हेलो मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को काफ़ी दिन हो गए पढ़ाए हुए और मैथ्स में पढ़ाता हूँ ये आपको पता है काफ़ी दिन हो गए थे आपको पता है कि ऑपरेशन हुआ था और उसमें फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई तो कल की क्लास से मैं वापस शुरुआत करूँगा तो जितना ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को पढ़ाया है उसको आप लोग एक बार रिवाइज़ कर लेना कल की क्लास से हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को ही वापस पढ़ाने की शुरुआत करूँगा तो आप लोग उसको रिवाइज कर लो जितना मैंने पढ़ाया है आपको पता होगा महीने भर पहले 9 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ था और टॉन्सिल का जो ऑपरेशन है वो एकदम छोटा सा ऑपरेशन होता है कोई भी बड़ा ऑपरेशन नहीं होता एकदम छोटा सा ऑपरेशन होता है और मैं ठीक था एक दिन में वहाँ से छुट्टी मिल जाती हॉस्पिटल से और घर आ गया और 10 या 11 दिन बाद 20 जनवरी को अचानक से यहाँ पर ब्लीडिंग होना शुरू हो गई टॉन्सिल के जब पाँच ऑपरेशन होते हैं उसमें से पाँच में से एक बंदे को ब्लीडिंग हो सकती है ऑपरेशन के बाद और 10 या 11 दिन बाद तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं और मेरे को 20 जनवरी को शाम को ब्लीडिंग होना शुरू हो गई अब बाहर अगर आप अंगुली कट जाए हम लोग रोक सकते हैं कहीं भी लग जाए हम लोग ब्लड को रोक सकते हैं लेकिन गले को आप दबा तो सकते नहीं ना कि गले का ब्लड कैसे रुके तो तुरंत बस एक ही इलाज है कि हॉस्पिटलाइज हो तुरंत उसके बाद मैं आई में रहा और इसलिए थोड़ा सा मैं लेट हो गया नहीं तो 26 जनवरी को मैंने कहा था कि मैं आपको 26 के बाद 27 से आपके लिए वीडियो बनाना शुरू करूंगा लेकिन इस कारण थोड़ा लेट हुआ अच्छा मुझे ये लगा कि कुछ दिन पहले मैंने डाला था एक ए, मतलब एक मैसेज डाला था आपके लिए कि मैं आपको पढ़ाने की शुरुआत करने वाला हूँ जल्दी ही जिसमें से मैंने मैसेज पढ़े तो 90 परसेंट मैसेज ऐसे थे जिसमें स्टूडेंट ने लिखा कि सर आप पहले ठीक हो जाओ हम लोग पढ़ लेंगे बाद में पढ़ लेंगे पहले अच्छे से ठीक हो जाओ काफ़ी सारे स्टूडेंट मिलने भी आए कुछ स्टूडेंट तो बिहार से चल के आए पर्सनली मुझसे मिलने तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और से अच्छा लगता है कि इतने लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं बिहार से लोग चलते यहाँ के स्टूडेंट तो आए ही जयपुर जयपुर के तो बिहार से स्टूडेंट पर्टिकुलर सिर्फ मुझसे मिलने आया कि सर आपकी तबीयत कैसी है अच्छा लगा तो अब जितनी भी क्लासेज हैं मैं ऑफलाइन क्लासेज़ भी शुरुआत कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेज़ भी जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वो शुरुआत कर रहा हूँ और यूट्यूब भी मैं कल से शुरुआत कर दूंगा हो सकता है पहले वीक में तीन चार वीडियो ही आ पाए धीरे 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 मैं बढ़ाऊंगा डॉक्टर ने भी यही कहा है कि धीरे धीरे बोलना शुरू करो मतलब ज़्यादा नहीं बोलना है बोलना तो है मतलब जैसे दस लेक्चर आठ ये धीरे धीरे ही बढ़ाना है अन एकेडमी पर मैं एक, एक मार्च को एक टॉपिक एक बैच लेकर आ रहा हूँ जिसकी फीस भी काफ़ी कम है एक मार्च को एक टॉपिक लेकर एक पूरा मैं बैच लेकर आ रहा हूँ जिसकी शुरुआत होगी एक मार्च को इवनिंग में पाँच बजे से ऑनलाइन के लिए ऑफलाइन सारे बैच मैंने पढ़ाने शुरू कर दिए हैं ऑनलाइन जो बैचे चल रहे थे उसको भी मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया नया जो बैच होगा वो एक जनवरी को मैं शुरुआत कर रहा हूँ इवनिंग में फाइव पी से एक मार्च से सॉरी पाँच बजे से ये बैच है मैं आपको इसमें इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था कि एक एन अकेडमी ने सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है जिसको सब्सक्राइब करके आप लोग मतलब कोई भी आ, किसी भी फैकल्टी से आप लोग पढ़ सकते हैं ये उन्होंने एक लॉन्च किया है जिसकी फीस आप लोग देख लेना जो भी हो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें अगर आप लोग उसका जो रेफ़रल कोड है उसमें नाम लिखोगे मैथ्स विद पवन राव मेरे चैनल का नाम लिखोगे मैथ्स विद पवन राव तो जहाँ पर भी जो जो स्टूडेंट मैं नहीं कह रहा कि आप जो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे उसको टेन ऑफ मिल जाएगा ये तो आप लोग कर ही रहे हो जो आप लोग जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहे उसमें उसमें मैं एक डेढ़ महीने में ही कम्प्लीट एडवांस मैथ्स कम्प्लीट पढ़ा रहा हूँ तो जिसको भी ज्वाइन करना हो मैं ये सूचना आपको देना चाह रहा था दूसरा भी कोई ज्वाइन करे तो उसको एक बार आप लोग बता देना कि लास्ट में जब पेमेंट करोगे ऊपरी ऊपर रेफरल कोड मांगेगा उसमें कंप्लीट नाम मेरे चैनल का नाम आपको पता होगा मैथ्स विद पवन राव लिखोगे तो आपको टेन परसेंट फीस से डिडक्शन हो जाएगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट वैसे ही कर रहे हैं तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को फ़ायदा मिल जाएगा मैथ्स विद पवन राव उसमें लिखोगे तो तो कल से हम लोग शुरुआत करते हैं आन अकेडमी का मैंने बता दिया ऑफलाइन क्लासेज मैंने शुरुआत कर दी हैं सारी की सारी और ऑनलाइन जहाँ पढ़ा रहा था वो शुरुआत कर दिए ओके थैंक यू अगली क्लास में कल शाम को मिलते हैं छः बजे